और दर्शकों, कैसे हैं आप सब लोग? आशा करती हूँ सभी अच्छे और स्वस्थ होंगे। आज का अपना सेशन है वो है आँखों की रोशनी से संबंधित। हालांकि रोशनी कई प्रकार से कम होती है और कई प्रकार से स्थिर रहती है, इसके बारे में हम कारण भी जानेंगे, कुछ प्राकृतिक उपाय भी करेंगे और कुछ हमारी योग क्रियाएं भी चलेगी। इससे पहले, यदि आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। सेशन को शुरू करने से पहले, नमस्कार दोस्तों, मैं हूं सरोज चौधरी और मेरे यूट्यूब चैनल हेल्थ एंड फिटनेस वर्ल्ड में आप सभी का स्वागत है। हालांकि आंखों की रोशनी कई तरीके से कम होती है। एक होती है हमारी जीवन शैली, जो मैं हर वीडियो में हर अपनी हर चीज़ से जुड़ी हुई होती है। जीवन शैली में क्या होता है कि हम नींद नहीं ले पाते, तो उसका सीधा असर आंखों पे पड़ता है। हार्मोनल तो होता ही होता है, आंखों पे पड़ता है। दूसरा ये है कि जैसे हम स्क्रीनिंग पे ज़्यादा रहते हैं, कंप्यूटर पे, मोबाइल पे लगे ही रहते हैं, तो उससे भी हमारी आंखें कम उम्र में कमज़ोर हो जाती हैं। तीसरा, जेनेटिक कारण भी होता है, धूम्रपान भी होता है, इस तरह की कई चीज़ें होती हैं। और चौथा जो अपना होता है, वो जो आँखों से संबंधित जो हमें संतुलित आहार लेना चाहिए वो हम नहीं ले पाते हैं, इसकी वजह से भी आँखें कमज़ोर होती हैं। पाँचवा कारण होता है बढ़ती उम्र, जो हम कम नहीं कर सकते, क्योंकि बढ़ती उम्र के साथ साथ हमारी हर तरह की जो सेंस ऑर्गन्स होती हैं वो कमज़ोर होती हैं, जिस पर हमारा नियंत्रण नहीं होता है। तो इसको तो हम एक तरफ कर देंगे, बाकी की जो चार पांच क्रियाएं हैं उसका हम कैसे इलाज निकालें या कैसे प्राकृतिक तरीके से हम इलाज करें जो हमारी जिस उम्र में जहाँ तक रोशनी है वहाँ तक रह जाए। तो नंबर एक तो हमारी है योग क्रियाएं। दूसरा, इसका उपाय क्या है? योग क्रियाएं हैं जो हम इस सेशन में करेंगे। दूसरा अपना उपाय है कि हम हमारे खान पान में वो संतुलित आहार लें, विटामिन ए सी ई, जो आँखों के लिए और हमारी स्किन के लिए सबके लिए अच्छा है। धूम्रपान ना करें, स्क्रीन पे ना रहें। अगर ऐसा ही अपना वर्क है कि हमें कंप्यूटर या मोबाइल की स्क्रीन पे ही रहना पड़ रहा है, उसी का काम है, तो हम इस तरीके के एक अच्छा स्पेक्स बनवाएंगे जिससे स्क्रीन का असर ना पड़े, और उसको लगा करके ही करेंगे। फिर तीसरा अपना है कि आप हम नींद भरपूर लें, यानी कि नींद ना निकालें। बहुत ज़्यादा नींद निकालने से सीधा असर नर्वस सिस्टम पे, आँखों पे, इन्हीं पे पड़ता है। चौथा अपना है कि हम नंगे पैर सुबह 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 नंगे पैर घास में चलें, तो इससे भी आँखों की रोशनी में बढ़ोतरी होती है। ये तीन चार पांच मैंने उपाय बताए हैं जो आपको करने हैं, जो हमारे हाथ में है। बाकी जो वृद्धावस्था के साथ साथ हमारी आंखें कमजोर होती है, बढ़ती उम्र के साथ साथ आनुवंशिक कुछ होता है तो उसको भी हम कम नहीं कर सकते। किसी में आनुवंशिक ही चला रहा है, किसी के जीन में कुछ कमी है, तो वो चीज़ें हम नहीं कम कर सकते। लेकिन जो चीज़ें जैसे स्क्रीनिंग से होती है, धूम्रपान से होती है, या हमारी कुछ लापरवाही से, खान पान की कमी से होती है, उनको हम नियंत्रित कर सकते हैं और हमारी आई साइट को बढ़ा सकते हैं। तो जो योग क्रियाएं हैं वो आपको डेली करनी है और मैं बताऊंगी वो, और इसके साथ साथ आपको प्राणायाम भी डेली करना है। तो योग क्रियाओं में क्या होता है, जिससे आपको आंखों की रिलैक्स मिले, आंखों के आसपास की नसें हैं वो एकदम से एक्टिव रहें, ऐसी कुछ योग क्रियाएं हैं। सबसे पहले तो आपको योग क्रिया क्या करनी है कि आपको आंखों को, हथेलियों को रगड़ करके और आंखों के ऊपर इस तरीके से लगाना है, जो मैं हर प्राणायाम के बाद में भी बताती हूँ। कम से कम 5 या 7 बार आपको इस तरीके से करना है। नेक्स्ट योग क्रिया है अपनी, ये जो रिंग फिंगर होती है, इससे आंखों की पुतली के ऊपर रखें और इसको क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज दोनों तरफ से आपको हल्की हल्की हाथ से हल्की हल्की अंगुली टिका करके उसको घुमानी है। दस से 15 बार आप घुमाएं।
एंटी क्लॉकवाइज घुमाएं, क्लॉकवाइज घुमाएं, दोनों तरफ घुमानी है। घुमाने के पश्चात जो अपना ये नाक की जो हड्डी होती है आंखों के बिल्कुल पास में, उसको ऐसे थोड़ा सा दबा के रखें दोनों इन्हीं फिंगर से। आंखें बंद करके रखें, नॉर्मल सांस लेते रहें। फिर इसी फिंगर से आपको आईब्रो के ऊपर से यूं ले जा करके, और आईब्रो का जहाँ लास्ट पॉइंट होता है, दिमाग की नसें होती हैं, उनको इस तरीके से घुमाएं क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज। थोड़ी सी देर दबा के रखें। नेक्स्ट एक्सरसाइज है वो है, आपको यहाँ पे दोनों आंखों को एक साथ में आपको नाक की जो हड्डी है इस पर देखना है एकदम से। फिर धीरे 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 आपकी नसों में इतना खिंचाव होगा कि आपकी आंखें बंद हो जाएंगी। 1 सेकंड के 2 सेकंड के लिए बंद करना, फिर वापस से खोलना है। मतलब एक नींद के जैसा, नशे के जैसा महसूस होने लग जाएगा, नसों में बहुत अच्छे तरीके से खिंचाव होगा। तो चलिए शुरू करते हैं। यहाँ पे आपको देखना है दोनों आंखों से, देखते रहें देखते रहें, धीरे धीरे बिल्कुल आपकी आंखें अपने आप बंद होंगी। देखते रहें धीरे धीरे, देखते रहें, एक ही तरफ, दूसरी तरफ नहीं देखना है। आप महसूस कर रहे होंगे यहाँ से आपकी नसें खींच रही हैं। फिर धीरे से आंखों को बंद कीजिए, वापिस खोलना है। इसी तरीके से एक बार और करेंगे। दोनों आंखों से एक साथ देखेंगे, नाक की इस डंडी के ऊपर जो हड्डी है इसके ऊपर देखेंगे दोनों आंखों से। फिर आपको अच्छे से पेन होने लग जाए तो आप आंखों को बंद कर लेंगे। दोनों आंखों को बंद करें। ये योग क्रिया है, इससे बहुत रिलैक्स मिलेगा। थोड़ी देर आप बंद करके भी रख सकते हैं। अगर आप 2 या 3 बार कर सकते हैं तो 3 बार करें, 5 बार कर सकते हैं तो 5, जैसे आपको रिलैक्स महसूस हो। क्योंकि इससे सबसे बड़ी बात है कि इससे आपको एकदम से नशे के जैसा महसूस होगा, जैसे आपकी आंखें बंद होगी, एक एक नज़र में देखेंगे और यहाँ से आपकी नसें हैं वो बहुत खींचेंगी, जो आपकी आई साइट के लिए बहुत अच्छा, आपके नर्वस सिस्टम के लिए भी बहुत अच्छा है। नेक्स्ट एक्सरसाइज है, अपनी एक फिंगर को लें या थंब को लें, किसी भी चीज़ को एक ले लें, उसको आपको देखते रहना है। जो अपन ने अभी नोज क्यों किया था वैसे ही ऐसे करना है। फिर इसको इधर लेके जाना है, वापस से इधर लेके आना है, इसी के ऊपर नज़र रहनी चाहिए, इधर लेके जाना है। आपको नहीं घूमना, आपको गर्दन को घुमाना है सिर्फ सिर्फ आपको आंखों को घुमाना है। आपको गर्दन को नहीं घुमाना है, आंखों को घुमाना है। इससे भी आंखों की बहुत अच्छी एक्सरसाइज होती है। नेक्स्ट ये कि नेक्स्ट क्रिया है वो है अपनी आंखों को अपने आप रोटेट करना, क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज। जो कॉर्निया है उसको घुमाना है ऊपर से नीचे की तरफ इस तरीके से। दूसरी साइड से घुमाएं,
नेक्स्ट एक्सरसाइज में आपको यहाँ पे ये आईब्रोज है, इनको दबाना है इस तरीके से। अगली एक्सरसाइज है वो इस तरीके से रखें। आंखें बंद करें, दबा के रखें, नॉर्मल सांस लेते रहें। ये अपनी आज की आंखों की योग क्रियाएं थी। इसके साथ साथ जो अपना दैनिक जीवन में जो भी आपको अपनाने हैं, खान पान से रिलेटेड या फिर जो अपनी जीवन शैली में सुधार करना है, उनको भी आपको इसके साथ साथ अपनाते जाना है, जिससे आपकी आई साइट बरकरार रहे और आंखों में चमक बनी रहे। कई बार क्या होता है, हमारा फेस बहुत अच्छा होता है लेकिन हमारी आंखें होती हैं वो डल होती हैं, तो इससे आंखें भी बहुत दिखने में भी हेल्दी दिखेंगी और एक अलग ही आपकी आंखों में चमक रहेगी। दूसरे रोशनी आपकी बरकरार रहेगी, अगर ज़्यादा भी नहीं बढ़ेगी आई साइट तो कम से कम जितनी है उतनी तो रहेगी, कम तो नहीं होगी। तो चलिए आज का सेशन अपना यहीं समाप्त होता है। नेक्स्ट सेशन में मिलते हैं फिर किसी इसी ऐसे ही टॉपिक के साथ में। तब तक के लिए नमस्कार।